نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज 22/8/2020 है और ज़िशान भाई ये और मेरे साथ ये सदाकत खान कौंसलर नवा शहर यूनियन कौंसल, इन लोगों के इसरार पर इन्होंने मुझे भी जो है तैयार किया है आज सुबह। और सुबह हम 5:15 बजे निकले हैं नवा शहर से और 7 बजे हम ठंडानी उतरे थे और वहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की। और अभी क्या टाइम हुआ है जी, अभी 3 बज गए हैं और हम ये जो 1500 साल पुराना दरख्त है इसके पास हम पहुँचे हैं, जो कि डगरी बंगला के बिल्कुल करीब ही वाक़ है। तो बहुत खूबसूरत ट्रैक है, जंगल में मंगल है, हर तरफ ग्रीनरी है और बहुत अच्छा ट्रैक है। लेकिन इस ट्रैक पे आते हुए आप लोग एक चीज़ का बहुत ख्याल करेंगे, आपके पास पानी का स्टॉक बिरन गली से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आगे फिर नथा गली तक किसी तरफ आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इस सिलसिले में ये मेरे भाई हैं सदाकत खान और ये हमारे बुज़ुर्ग, इनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है, इन्होंने जो है सुबह से हमारे साथ ये ट्रैक किया है, प्रोफेसर जनाब जहीर साहब। तो ये अपने ख्याल का भी इजहार करेंगे। This track was beyond our expectations. It was so tiring. We are totally exhausted, at least I am totally exhausted. We actually had planned that from Hindiani to Nathagali in 3 days, but for me it seems that it will not be possible for me. So let us see. We will reach there, Dagi Bangla, then we will decide what to do next. But it was so beautiful, so mesmerizing, so scintillating almost. And we enjoyed a lot, but the level of tiredness, that is also unprecedented. ये अब मेरे भाई हैं सदाकत खान कौंसल साहब जी। सर आप ही अपने ख्याल का इजहार करें। शुक्रिया साकिब भाई, आज तो थकावट भी हुई है मगर जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ग्रीनरी देख के दिल बाग बाग हो गया है। माशाल्लाह आज हमने 1500 साल का पहला यहाँ पे बूटा है, दरख्त भी देखा है माशाल्लाह। अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। और मैं कहता हूँ इसी तरह ये जितने दरख्त हैं इनकी इतनी उम्रें हैं। और मेरे जितने भाई भी डगरी बंगला आना चाहते हैं मैं कहता हूँ वो आए, पानी साथ लेके आए, खजूरें साथ लेके आए और दूध का एक डब्बा लेके आए और फिर फुल इंजॉय करें, मस्ती करें, मौज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। निशान भाई भी हमारे साथ हैं, राइज पाकिस्तान स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हमारे मेन प्लानर यही हैं, फिट फनाटिक्स जो टूरिस्ट क्लब है, आई टी क्लब, उसके जो चेयरमैन हैं। अच्छा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा आज का दिन इंजॉय किया मैंने, और खास तौर पर ईटीसी के सामने अभी हम लोग खड़े हैं और दर्जी गंगा के बिल्कुल पास हैं, ये सलमानी वाली साइड से। ऑलमोस्ट हम लोगों के मेरा ख्याल है 7-8 घंटे हमारे ऑलरेडी ट्रैकिंग के हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉयबल ट्रैक है, इस ट्रैक की खूबसूरती जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बीरन गली तक काफ़ी माइल ट्रैक है कन्हैनी से, क्योंकि वो नीचे आप लोग जा रहे होते हैं, लेकिन बीरन गली से आगे डगरी बंगला तक ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप ऊपर जा रहे हैं और ट्रैक भी काफ़ी डिमांडिंग है। और अप द हिल अगर आप जा रहे हैं और आपको फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला ये ट्रैक है उस तरह से। अभी डगरी बंगला हम लोग पहुँचेंगे, आज कोशिश हमारी ये है कि इसको हम वन डे से कम्प्लीट करें, और ये ऑलमोस्ट हमारा 42 किलोमीटर का ट्रैक है। हमारी कोशिश होगी कि आज इसको मुकम्मल करें, सर वही थोड़ा ज़्यादा टायर्ड है तो हम लोग आगे डगरी पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और फिर तफसीली फीडबैक जो है साकिब भाई की तरफ से भी आपको है, और वैसे भी हमारे वीडियो क्लिप जो हम बच्चे पर बनाते रहे हैं वो हमारे ग्रुप में मौजूद होंगे, तो उसकी भी मज़ीद तफसीलात आपको पता चल सकता है। थैंक यू सर, बहुत वेरी नाइस।